सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। कना दर्शारी, जहाँ तक श्रावण मास की महत्व का विषय है, ये बहुत ही पौराणिक महत्व है, क्योंकि ये चतुर्मास के अंदर आता है और चतुर्मास में विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में शयन करते हैं, तो पृथ्वी का समस्त भार शिवजी के ऊपर रहता है। शिवजी का पृथ्वी पर अवतरण भी श्रावण मास में हुआ है और यहाँ तक कठोर तपस्या के बाद पार्वती का विवाह शिवजी से श्रावण माह में हुआ है। समुद्र मंथन श्रावण माह में हुआ है, जहां पर कि विष को हलाहल शिवजी पिए हैं। तो शिवजी को श्रावण माह बड़ा यादगार के रूप में है और श्रावण माह में जो उनकी पूजा होती है, अर्चना होती है, बंदन होता है, श्रृंगार होता है, अभिषेक होता है और गंगा जल जो व्यक्ति कांवर पर लाकर चढ़ाते हैं, शिवजी बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव सोमवार को सोमवारी व्रत का, अभिषेक का, दुधार्पण का, जलार्पण का अपने आप में बहुत महत्व है और जो कुमारी कन्या या कोई भी व्यक्ति सोमवार को व्रत रखता है या सोमवार में भगवान का अभिषेक करता है तो कुमारी कन्याओं को मनोवांछित फल मिलता है, शवों को ये फल मिलता है। लेकिन दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है जो प्रकृति की संरचना से संबंधित है कि श्रावण मास में इतनी बारिश होती है, बारिश का शुरुआत होता है, जो हमारे पृथ्वी के अंदर जल का संचयन होता है, सारे जीवों का कल्याण श्रावण मास में ही होता है। इसलिए मिला जुला कर शिव की आराधना श्रावण में प्रबल होती है और कई गुना फल मिलता है। नमस्कार।